टुडे वी लिव इन अ टेक सेवी वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया है. इट हैज इंक्रीज द ग्रीड इन अस, ग्रीड विच कैन ओनली बी फुलफिल्ड विद मनी. पहले हम सब पॉकेट मनी, मंथली अलाउंसेस का वेट किया करते थे. बट किड्स नाउ डेज हैव देयर ओन डेबिट क्रेडिट कार्ड्स व्हेन दे हैवंट इवन क्रॉस्ड देयर स्कूल येट. इस इजी लाइफस्टाइल की वजह से ही दे नेवर गेट टू नो द वैल्यू ऑफ मनी. उनके लिए पैसे सिर्फ उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने का मीडियम है. एंड इवेंचुअली लाइक एनी अदर ड्रग दे एंड अप बिकमिंग एडिक्टेड. और जब ये ड्रग, ये मनी उनसे दूर हो जाता है, तब उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट. हाय, मैं हूँ कृतिका कामरा और हमारी आज की स्टोरी एक ऐसे टीनेजर की है जिसकी प्रायोरिटीज कुछ अलग थी एंड हाउ ही यूज्ड द वेब टू फुलफिल हिज डिजायर. Last week your dad ko photo dikhai thi and this beauty is here. Bhai, gaadi to aa gayi. Ab license kab aane wala hai? Guys, pehle se 18 saal ka to ho jaane do. Very funny. MLA Sudhir Roy ke bete ko aaj tak kisi ne rokne ki galti ki hai? Jo aaj karega. One phone call aur uska job. Tata, bye bye, see you. Kya? Well, you know guys, I feel like a long drive. Kya bolta hai? Chale? Hey dude, I'm in. Me too. Let's go. No way, ab hai. आज वैसे भी दो दो लेक्चर्स अटेंड करने हैं रश्मि मैम के. कम ऑन, एंड शी विल नोटिस आवर एब्सेंस यार. अबे वैसे भी नेक्स्ट वीक एग्जाम है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ कराएंगी यार. वो बैटरी की क्लासेस कौन अटेंड करता है? यू नो हाउ मच ही बग्स अस, स्पेशली मी यार. बट नोट्स का क्या होगा यार? आ जाएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं, देखना. हाय अभय. हाय सानिया. वो एक्चुअली यू वर्नट वेल, सो मैंने तुम्हारे लिए हिस्ट्री नोट्स बना लिया है. फिजिक्स के कल दे दी. Okay. So sweet of you, yaar. Sanya. Yeah. Tell me. Kya hai na? Meri health ab tak theek nahi hai. So main soch raha tha ki main ghar ja ke thoda rest kar lu. Oh. Yeah. You take care. To wo aaj ke classes ke notes mil jayenge na? Yeah. Sure. I will. You just go home and rest. What a savior, yeah. Thank you so much. What a sweetheart. Notes ye the, mil gaye. So mean you are. Wo kitna kuch karti hai tumhare liye. Huge crush on you. Poor girl. Poor girl. You know what? Drive pe chalte. Chalo. What's up? Yeah, cool, dude. You know what this is? Again, letter aaya hai tumhari short attendance ka. Beta, tum regular padhne jaate ho. Ye baar baar notice kyun aa raha hai? Reno, relax. Let it be, yaar. Ab yahi to umar hai uski enjoy karne ki. Karne do use. Ek baar business mein phans gaya, to fir kahan time milega bechare ko? Sudhir, tumhari isi leniency ka fayda utha raha hai wo. Arre, that is even better. Politics mein kaam aayega. भाई मेरे बाद मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए. क्यों बेटा? ऑफ कोर्स डैड. अबे डैड, मैं सोच रहा था नया फोन खरीद लूं. आई एम क्वाइट बोर्ड ऑफ दिस ओल्ड वन. देखो बेटा, तुम्हारे ये लेटेस्ट गैजेट्स ना मेरी समझ के बाहर है. तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है? यप. सुधीर, तू जो पसंद है ले लो ना यार. थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू. आई लव यू टू बेटा. आई विल सी यू सून डैड. ओके, टेक केयर. सुधीर, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है अभय को अपने दोस्तों की तरह पैसों की वैल्यू आनी चाहिए. लेटली मैं देख रही हूँ वो पैसों को, तुम्हारी पोजीशन को बहुत शो ऑफ करता है. रिलैक्स, अभय हमारा बेटा है, हमारा. अरे भाई, ये उसकी खुशनसीबी है कि वो हमारे जैसे अमीर घर में पैदा हुआ है. अरे मैं जॉय दिया, वो यही तो उम्र है उसकी. अच्छा, इस बारे में हम बाद में बात करें. ओके, ओ रिफा, ठंडा हो रहा है यार, चलो. ऑल राइट, चढ़ाओ उसे सर. वन डे यू गोना रिग्रेट दिस. Cheers. Cheers. अभय, कुछ बोलना था यार. बोलना. Actually, I क्या कह रही थी तू?
Like, I just need like 5-6 grand. Of course, yeah, Sharma, kyun rahi thi? How much do you need? 5-6 grand. Yeah. Marry her. No cash, as always. ek kaam karo. Keep this card. Thanks. I'll message you the pin. Just withdraw whatever you need. All right? अच्छा कल हम डिनर पे तो जा रहे हैं ना लाइक जस्ट यू एंड मी ऑफ कोर्स बेब आई विल पिक यू अप अबे व्हाई डोंट यू आंसर अ कॉल शी इज गोइंग टू कॉल यू कंटीन्यूअसली यार डोंट वरी अबाउट इट इट्स माय मॉम यार शी नीड्स एन अपडेट अबाउट एवरी सेकंड ऑफ माय लाइफ सो व्हाई जस्ट यू डोंट टॉक टू हर लाइक तुम बात कर लोगे शी वोंट इंटरप्ट एट लीस्ट टॉक टू योर मॉम मॉम क्या हुआ डैड को किसने किया ये सब बता बाबा एयरपोर्ट जाते वक्त उनकी कार एयरपोर्ट जाते वक्त क्या मुझे डैड को मिलना है अभी कहाँ है डैड यार कोई बताएगा मुझे कहाँ है डैड कोई रूम में रखा है उनको पता रिलैक्स मिस्टर चौधरी रिलैक्स आई एम रियली सॉरी टू से बट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी देह चुकी थी डॉक्टर ये मेरे डैड है ही कांट लीव मी अलोन इट्स माय डैड इट्स इम्पॉसिबल डॉक्टर व्हाट इज रॉन्ग विद ही कांट लीव मी अलोन व्हाट कानूनी मामला है फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशंस लगे हैं आपके हस्बैंड पर जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक आपके हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स सीज रहेंगे पर कुछ जॉइंट अकाउंट्स भी है आई एम सॉरी मैडम जब तक कोर्ट का केस चल रहा है तब तक आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स को ही एक्सेस कर सकती हैं ये कुछ पेपर्स हैं आप साइन कर दीजिए मॉम ये सब लोग मेरी कार के साथ क्या कर रहे हैं डैड का भी और एम्प्लॉई बेटा आपके डैड पे कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं उनकी वजह से उनकी सारी पोजीशन सीज कर ली जा रही है और ये कार भी उनके नाम पे यस ये गाड़ी उनके नाम पे कुछ नहीं हो सकता डोंट इवन वांट टू मॉम रहने दो ये सब लोग अब साइन कर दीजिए प्लीज वेयर एग्जैक्टली यहाँ पे कर लीजिए पेरेंट्स मॉम उसे किसी भी नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे की तरह पालना चाहती थी वो उसे मनी और पावर से दूर रखना चाहती थी पर अ हस्बैंड टुक अ कंसर्न लाइटली एंड नाउ अबे अपने डैड के पैसे और पावरफुल स्टेटस का फ़ायदा उठाना सीख चुका था उसके लिए सडन चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था शायद ये इतना टफ नहीं होता अगर अबे के डैड उसे पैसे की वैल्यू करना सिखाते Hi guys. Hi. Hi Abhay. Hey Mary. You're fine, no? Sir, this is your bill. Thank you, sir. I hope Auntie is fine now. Don't worry, everything is going to be all right. Thank you so much. Sorry, sir. This card is blocked. What do you mean blocked? यानी तुम जानते हो किसका कार्ड है व्हाट इज रॉन्ग विद यू मशीन चेक करो यार अपना सॉरी सर चिल कर यार तू कैश पे कर ले मैडी पहली बार आई हो क्या मेरे साथ बाहर यू नो आई नेवर कैरी कैश फाइन देन इवन आई डोंट हैव इट इट्स
इट्स ओके अभय, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है, मैं बिल पे कर देती हूँ. प्लीज टेक दिस. I'll make sure I return it to you. It's okay. ले भाई. थैंक यू सर. Why mom? Why? विजय अंकल को फोन करो, अतुल अंकल से बात करते हैं ना. How can they just seize our house, property, everything like that? मेरी कार भी चली गई मॉम. Come on mom, कुछ तो सोल्यूशन होगा इस बात का. नहीं है कोई सोल्यूशन. तुम्हें क्या लगता है? I'm not trying. दिन रात कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ मैं. कोर्ट केसेस में सालों लग जाते हैं अभय. You have to learn to deal with this situation now. अब कहना क्या चाहती है मॉम? सिर्फ इतना कि शायद यही हमारी डेस्टिनी है एंड वी मस्ट एक्सेप्ट इट नाउ. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो लाइफ तुम्हारे डैडी तुम्हें देना चाहते थे मैं वो दे सकूं, इवन इफ आई हैव टू डू अ जॉब. वाओ, तो आप मुझे ये भी बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में. आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जिस लग्जूरियस लाइफ की तुम आदत डाल चुके हो तुम्हें उसके बिना भी जीना सीख लेना चाहिए. जितना जल्दी सीख जाओगे जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए. Luxurious life, seriously. अभय, you know I'm your well-wisher, बेटा. जो फ्रेंड सिर्फ अभय के पैसे, उसकी कार, उसके एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से उसके पास थे, वो अब उसे एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे थे. Whatever he had in his life was only because of his money. और अब क्योंकि उसके पास वो सब कुछ नहीं था, तो उसकी लाइफ से जुड़ी हर चीज, हर फ्रेंड उससे दूर होता जा रहा था. Which was very traumatizing for him. Please guys, book वो ही करेंगे जिसमें pool होगा. Yeah sure. मेरे एक friend का resort भी है वहाँ पर. I hope we get some discount. Oh wow, that's great, hey yeah. What's up? क्या चल रहा है? कहाँ जाने की planning हो रही है? Oh, actually we were planning to go on a weekend, you know, like in holiday. It's pretty good. But तुझे इसलिए नहीं बता because you cannot afford it. I hope you're doing good. Sanya, not right now. I'm not in a good mood. Oh. Okay. Actually, मैं सिर्फ पिछले वीक्स के नोट लाए. Sanya, just leave me alone, yeah. Please, seriously. Okay. I hope these notes help you. Hey, Sanya. I'm such a jerk, yeah. प्लीज वापस आ जाओ. आई एम सो सॉरी. तुम मेरे लिए हमेशा इतना कुछ करती हो. डैम इट, समझते क्या है लोग अपने आप को. पता है मेरी गाड़ी में घूमते, मेरे पैसों से ऐश करते. दे मेक मी फील लाइक अ लूजर यार. यू नो व्हाट, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन. सुशील चौधरी का बेटा हूँ मैं. I'm gonna show them what I can do. मैं पैसे ऐसे कमा सकता हूँ, ऐसे ऐसे. I know Abhay, and I have full confidence in you. पर अगर फिलहाल हम practicals पे preparation पे ध्यान दें, तो बेहतर रहेगा. You know I can help you if you want. You know what? Do study. तुम्हारी डेट शीट आ गई है. आपके फाइनल एग्जाम्स हैं. गिव इट योर बेस्ट शॉट. ओके श्योर. हेलो. हेलो, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर अभय चौधरी? हु इज स्पीकिंग? सर, आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ फटाफट मनी.com. कांग्रेचुलेशंस सर,
यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब. वाओ रियली? लेकिन ये जॉब है क्या? हमारी कंपनी हर्बल प्रोडक्ट्स में डील करती है और हमारी तरफ से हमारे प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइज आपको पूरे एक साल के लिए दी जाएगी. इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड एंड नाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. वाओ, व्हेन डू आई स्टार्ट? सर, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपना फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम 1 लाख रुपीज का परचेस करना होगा. यू कैन ट्रांसफर दिस अमाउंट इन आवर ऑनलाइन अकाउंट. द कंसाइनमेंट विल बी डिलीवर्ड विद इन 3 वर्किंग डेज. कैन आई कॉल यू बैक? आई विल कॉल यू बैक. ओके, डोंट वरी. Mom, I've got a job. लेकिन ना जॉब के लिए कुछ 1 लाख रुपए चाहिए और मेरे सब क्रेडिट कार्ड. मैंने कल ही तुम्हें 500 रुपए दिए थे बेटा. इन आर कंडीशन सारे घर के खर्चे निकलने के बाद मैक्सिमम आई कैन हैंडल इज योर एजुकेशनल फी. अब समझ क्यों नहीं रही है? लेट मी फिनिश. हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है. घर के खर्चों के बाद मैक्स आई कैन हैंडल इज योर एजुकेशनल फी. आई एम श्योर यू आर अ ग्रोन अप नाउ. ट्राई इट मॉम. यू कैन ट्राई इट. Hey Mary. Hey, hi. Can I have a moment, please? Yeah, sure. तुम्हें तो पता ही है मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है. Yeah. But I have a solution. क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए और मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे लोन दे सकती हो तो मैं इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दूंगा. Hey Maddie, चल ना. Hey Romy. Hey, I'll see you later. Yeah. Hey Sanya. Hey Abhay. Do you want to grab something to eat? Sure. Chale. You know, हम कितने साल से क्लासमेट्स हैं, but my bad, I don't know anything about you. तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, फैमिली के बारे में. मेरी फैमिली? Yeah. मेरी फैमिली तो बहुत छोटी सी है, बस मॉम डैड एंड मी. माय दादी पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स बैक, तो बस हम 3 लोग ही हैं. स्मॉल एंड स्वीट फैमिली. डैड के बारे में, व्हाट इज योर डैड डू? माय डैड? माय डैड इज अ कॉलेज लेक्चरर. मेरी मॉम भी पहले टीचर थी, पर अब उनकी नोट्स तो मुझे ही मिलती है. द नोट्स दैट आई शेयर विद यू, वो सब वही बनाते हैं. आई जस्ट कॉपी देम. Sandwich. Hey Sanya, new haircut? You look very pretty, yeah. No, वो actually मैंने side pony की है, शायद इसलिए लगा तुम्हें. Anyways, thanks for noticing. Actually ना, I needed a favor from you. Is that okay? हाँ, बोलो ना. You know, मेरे dad मेरे best friend थे यार. उनके साथ मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड थी, सब कुछ था मेरे पास. लेकिन शायद वो सारी चीज़ें अपने साथ ले गए. आई काइंड ऑफ फील वेरी हॉलो, यू नो. कोई चीज़ में मन भी नहीं लगता. इनफैक्ट कई दिनों से मैंने ये बुक्स तक को हाथ भी नहीं लगाया यार. माय मॉम इज़ कंसर्न फॉर माय स्टडीज. मैं सोच रहा था कि तुम शायद मदद कर सको मेरी एग्ज़ाम्स के लिए. Of course I'll do. इसमें पूछने की क्या बात है अब है? I'm always there for you. That's so sweet of you, sweetheart.